नाम बता दीजिए। नाम सिद्धाम। आपका? मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ। ले जाइए। आसान है। और खास बात है कि ये केवल ये अच्छे अच्छे मोबाइल चुराते थे जो कि जिसकी की ग्राहक रास्ते चलते राह चलते ग्राहक भी उसको मिल जाएंगे अगर उनको सस्ते दामों में ऑफर किया जाएगा। तो सर ये मोबाइल क्या पकड़े नहीं जाते अगर जैसे ये चुराते हैं, तो इसके लिए क्या कुछ ऐसा करते थे जो ये पकड़े ना जाए? इनका एक और साथी है जिसके पास ये मोबाइल देते थे और हमें शक है कि वो साथी उसका कुछ नंबर में गड़बड़ करके उनको ग्रे मार्केट में उसको बेचा करता था। सर मोबाइल चोरी करने के लिए या छीनने के लिए मतलब हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है, क्या ये सिर्फ उंगलियों के सहारे ही? ये हथियार का नहीं इस्तेमाल करते थे, जैसे मैंने आपको बताया ये इवेंट्स के टिकट खरीदते थे और बिल्कुल जो बोले सर उखला इलाके में दो मोबाइल चोरों को पकड़ा गया है, क्या है पूरा मामला बताएं? साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट का उखला पुलिस स्टेशन के पुलिस टीम ने एक गैंग है दो चोरों का इनको पकड़ा है। बहुत इंटरेस्टिंग बात इनके बारे में यह है कि ये दोनों कोई ऐसा रास्ते में लोगों से लोगों का मोबाइल ना छीनते थे ना चुराते थे, बल्कि जो बड़े बड़े इवेंट म्यूजिकल इवेंट रॉक बैंड कॉन्सर्ट जहां होता था जैसे कि स्टेडियम या तो NSIC ग्राउंड पे जहां पे अपर क्लास के लोग आते थे उनके पास अच्छे कपड़े और अच्छे फ़ोन रखने वाले लोग जहां पे आते हैं वहीं जगह को ये लोग टारगेट किया करते थे। और ये चोरी करने के लिए ये लोग उन्हीं के तरह अच्छे अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनना और उन्हीं के तरह वेश के वहाँ पे जाना। और एक बहुत खास बात यह है कि ऐसे इवेंट्स के लोग टिकट खरीद के वहाँ पे एंट्री भी करते थे चोरी करने के लिए। तो वहाँ जाने के बाद लोग जब म्यूजिक और खाने पीने में जब मस्त होते थे तो उस समय में ये टारगेट बनाते थे कि इन लोग कौन कौन से लोग हैं जो हाई एंड फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर उन्हीं के आसपास में जा करके घुल मिल करके फिर उनका मोबाइल फोन वो चोरी करके वहाँ से निकल जाते थे। क्या सर ये लोग पढ़े लिखे हैं या? ये दोनों मोहम्मद यूसुफ 32 साल का, ये हजरत निजामुद्दीन बस्ती का रहने वाला है, और सद्दाम अलियास दानिश ये 24 साल का, ये सीमापुरी का रहने वाला है। ये दोनों पढ़े लिखे नहीं है और इन्होंने ये स्कूल ड्रॉप आउट है। और ये हजरत निजामुद्दीन बस्ती के पास में एक होटल में पहले काम किया करते थे और उसी दौरान ये लोग शादियों में और बड़े बड़े पार्टियों में जब वेटर की रूप में जब काम करते थे तो ये आइडिया उनको आया कि ऐसे बड़े जगहों पे अच्छे अच्छे कपड़े पहन के अच्छे आचार व्यवहार करके पहुंचे और वहां से चोरी करके सामान उठाएं और उसको बेचें। पुलिस ने अब तक कितने मामले खोले सर? इनके गिरफ्तारी से 6 ऐसे मामलों का खुलासा हुआ है और कितने मामलों का खुलासा किया है पुलिस ने? ये जो जिस मामले से इसका खुलासा हुआ वो है कि 9 तारीख को NSIC ग्राउंड्स पर एक डीजे